सौर्यमंडल में ग्रहों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। उसे जितना भी समझने की कोशिश करिए, आप उसमें उतना ही उलझते जाएंगे। वैसे तो हर ग्रह अपने आप में विशेष है, लेकिन इसमें बृहस्पति ग्रह थोड़ा अलग है, क्योंकि यह ग्रह गैसों का एक समूह है और भारत में इसे गुरु के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह के बारे में लोग प्राचीन काल से ही जानते हैं। अंग्रेजी में इसे जुपिटर के नाम से जाना जाता है। दरअसल रोमन सभ्यता, जो कि रोमन देश का एक सभ्यता था, उसके एक पौराणिक देवता का नाम भी जुपिटर है। इस ग्रह की कई रोचक बातें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस ग्रह के बारे में कुछ नई बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं diladdu.com। बृहस्पति ग्रह पर एक दिन मात्र 9 घंटे 55 मिनट का ही होता है, जबकि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। शायद आपको यह बात पता ना हो कि पृथ्वी के 11.9 साल में बृहस्पति ग्रह का मात्र एक साल होता है। यह बेहद ही हैरान करने वाली बात होती है। बृहस्पति ग्रह पर कोई धरातल नहीं है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है और हमेशा अमोनियम क्रिस्टल और संभवतः अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादलों से ढका हुआ रहता है। इस ग्रह पर इंसानों का रहना बिल्कुल नामुमकिन है। इस ग्रह की सबसे रोचक और रहस्यमय चीज जो है वो है द ग्रेट रेड स्पॉट। दरअसल यह एक तूफान है जो लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर सैकड़ों साल से एक तूफान लगातार चल रहा है और यह इतना बड़ा है कि इसमें आराम से पृथ्वी जैसे 3 ग्रह तो समा ही जाए। फिलहाल वैज्ञानिकों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि यह तूफान कैसे और क्यों चल रहा है। बृहस्पति ग्रह को सौर्यमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। दरअसल इसका अपना एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी मदद से वह सौर्यमंडल में आने वाली बाहरी उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो उल्का पिंड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से भी टकरा जाते, जिससे भारी तबाही भी हो सकती थी। तो आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही रोचक जानकारियां लेकर आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।